तो इधर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के वोट बचे ही नहीं। कांग्रेस का घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा है जिसे जनता ने खारिज कर दिया है। प्रदेश की सरकार नहीं चला पाए और नगरीय सरकार क्या चलाएंगे। बीजेपी एक तरफा पंचायत चुनाव में जीती है। वहीं ओवैसी की एंट्री पर उन्होंने कहा कि ओवैसी जी का स्वागत है लेकिन मध्य प्रदेश की जनता जानती है ओवैसी विभाजन की राजनीति करते हैं। यहां आए ओवैसी या केजरीवाल आए, बाकी दल कैसे टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ चलते हैं। अरे जब प्रदेश की बदली थी तब नहीं चला पाए, नगर की बदल देंगे तो कहां से चलाएंगे और पैसा लाएंगे कहां से। विकास की बातें कर रहे हैं तो पैसा लाएंगे कहां से। राज्य में सरकार उनकी नहीं, केंद्र में सरकार उनकी नहीं है, फिर वही झूठ बोलेंगे, फिर हम पे आरोप लगा के अपनी दिसरी कर लेंगे। विकास जनता चाहती है और सब जानते हैं कि विकास भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, ये लोग सिर्फ विभाजन चाहते हैं। जनता ने जब कांग्रेस का मूल चुनावी घोषणा पत्र खारिज कर दिया जो एक झूठ का पुलिंदा था, 2 लाख तक का 10 दिन में किसान का कर्जा माफ, 1 का नहीं किया, नौजवानों को 4,000 रुपये महीना बेरोजगारी भत्ता, 1 को नहीं दिया ढोल बजाने, तो जब उस पर विश्वास उठ गया तो इस पर क्या विश्वास होगा। ये तो ऐसे ही बातें दे रहे। कल कह रहे थे नगरी सरकार बदल दो, अरे तुम प्रदेश सरकार नहीं चला पाए, बनवाई तो थी आपकी, संभाल नहीं पाए, अपनी पार्टी तोड़ ली ऐसे।